लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। पाटन प्रखंड के ब्लॉक रोड में आज MSP ITI कॉलेज पाटन का उद्घाटन हुआ, जिसका मुख्य अतिथि पाटन छतरपुर विधायक के पुष्पा देवी एवं विशिष्ट अतिथि पश्चिमी जिला परिषद संग्राम सिंह रहे। इस कॉलेज के उद्घाटन सदस्य माटी कला बोर्ड झारखंड सरकार के अविनाश देव के द्वारा सामूहिक रूप से फीता काट कर किया गया। वहीं आपको बता दें कि पाटन में पहला ITI कॉलेज खुलने पर लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। वहीं अविनाश देव ने बताया कि यह कॉलेज में सारे इलेक्ट्रीशियंस फिटर के सभी छात्र छात्राओं को आधुनिक मशीन के द्वारा उन्हें विशेष ट्रेनिंग के साथ इस कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था मौजूद है, जिसका बेहतर तरीके से यहां के छात्र छात्राएं लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर पश्चिमी जिला परिषद जयशंकर सिंह उर्फ संग्राम सिंह ने बताया कि वह ITI कॉलेज खुल जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विशेष लाभ मिल सकता है, जो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस कॉलेज के चेयरमैन कन्हाई प्रजापति ने बताया कि यह ITI कॉलेज में आपको बहुत ही कम खर्चे में पढ़ाई की व्यवस्था मिल सकता है। एवं इस ITI कॉलेज के डायरेक्टर उदय कुमार ने बताया कि अब बच्चों को शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने क्षेत्र के ही कॉलेज में अच्छी खासी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मौके पर उपस्थित रहे पूर्व जिला परिषद मुक्तेश्वर पांडे, डॉक्टर भोला प्रजापति, उदय कुमार, उमाकांत प्रजापति, विजय कांत प्रजापति, प्रदीप नारायण एवं पाटन के कई सम्मानित जनता मौजूद रहे। ITI कॉलेज पहली बार पाटन में खुला है, इससे पाटन में जितने भी बच्चे हैं जो एग्रेसिव हैं, जो मोटिवेटिव रहेंगे, उसको एक रोजगार की पढ़ाई है तो उसको रोजगार भी मिलेगा। आगे ISC BSc करने के बाद ऐसा कोई रोजगार की गारंटी नहीं होती है, लेकिन कम से कम ITI के बाद एक रोजगार की गारंटी होगी। कहीं बच्चा स्टार्टअप तो ले सकता है, अगर स्टार्टअप ही नहीं लेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता है, इसलिए ITI बहुत जरूरी। चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, या रेलवे का देख लीजिए, कोई सा भी प्राइवेट देख लीजिए, तो वो ITI संस्थान छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा बिल्कुल कराएगी। छात्रवृत्ति एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल प्रोसेस है और वो गवर्नमेंट देती है। हमारे से सिर्फ इतना सुविधा होता है कि हम लोग एक फॉर्म भरवा देते हैं, वहां तक पहुंचाने की होती है, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हम लोग फुलफिल यहां से करके छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, 100% पूर्णता होगी। पहली बार पाटन में खुली है आपकी जी, क्या छात्रों के लिए कुछ फी माफ की सुविधा? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग एक इंटरनल एग्जाम लिए हैं, जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी लड़का जितना नंबर लाता है, एक कैटेगरी बनाया है आपने, ठीक है, कम से कम 60% जिस बच्चे का है, फिर वो जब ला रहा है जितना परसेंटेज ला रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग छात्रवृत्ति उसको देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% का छात्रवृत्ति का सुविधा है इसमें, अगर फीस जितना है उसका 50% हम लोग लेस करके फिर एडमिशन हम उस प्रतिभावान छात्रों को हम लोग प्रवेश करते हैं। क्योंकि प्रतिभा की कमी नहीं है, उस प्रतिभा को निखारने का जरूरत है, और आज इस दिशा में पाटन के युवा साथी लोग ने जो पहल किया है, खासकर MSc के जो प्रोपराइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, उदय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सोच को मैं सलाम भी करता हूँ कि आप नए तरीके से पाटन को आगे बढ़ाने के लिए आप एक विकास का पैमाना तय हो रहा है कि पाटन हर क्षेत्र में, हर व्यवसाय में आगे बढ़ रहा है, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या ITI के क्षेत्र में हो। मैं पुनः इनको शुभकामना देता हूं, इस तरह से आगे बढ़े हम सबका शुभकामना है। सारा व्यवस्था होगा और पाटन अब वो पाटन नहीं रह जाएगा, कि पाटन और पटना में लोग फर्क नहीं समझेगा। स्थिति तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि गाँव के लोग को जागृति करने का ये जो है सो पहला फैसला जो हमारे कढ़ाई गुरु जी किए और उनका सुपुत्र जो है सो इसको आगे बढ़ाने में काम किया, इन लोगों का जो है सो जरूर जरूर माध्यम जो है सो एक आगे की लोग ले जाने के लिए ये अग्रसर रहेगा। और यहाँ जो आपने जो सवाल किया चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो यहाँ पर अभी पीछे है, लेकिन अब पीछे नहीं रहेगा, लोगों का सोच इसके पीछे है और होना चाहिए। और आप लोग जैसे यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग हैं और मीडिया के लोग अगर चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर तीन को स्तंभ ठीक है, चौथा स्तंभ टूटा हुआ है तो कोई स्तंभ टूटा हुआ है तो कोई चल भी नहीं करेगा। तो मूल काम यहाँ पर मीडिया के लोगों का है ना, या चौथा स्तंभ वही है, तीन गो टांग अगर है, एक गो टांग टूटा हुआ है तो बकरी लगड़ी है, तो यहाँ पर चौथा स्तंभ का बहुत बड़ा रोल है और वो क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। और साथ साथ हमारे अभी यहाँ और मेरा सोच हमारा मेरा विश्वास के साथ मैं समर्पित हूँ कि यह जो पाटन क्षेत्र का विकास हो, पाटन क्षेत्र के विकास के लिए मैं सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में काम शुरू किया और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए मैं तत्पर हूँ।
इसके लिए तो भाई यहाँ पर अगर चारों स्तंभ अगर ठीक रहे और चारों जहनुम में जाए, एक स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु वाला ठीक रहे ना, इसके बाद मत पूछिए। रामाशीष कुमार की रिपोर्ट, पाटन पलामू।